you will actually make wonders. Dear students, I studied only for 19 days to write examination. I got 436 total in one shot. You know, a bit more careful study and selective study. 80-85% aata hai yaar. 15% ke liye tension le lete sab log. Bas utna hi. Only 19 days of preparation before examination. Only 19 days before the examination, I started my preparation because I failed in the previous exam. When I wrote in that 19 days examination, my total was 456. Both groups cleared, only two papers less than 50, which was 49-49. That's all. नया निवास शर्मा सर, जो ICI के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स ये बात बोली है कि उन्होंने CA का एग्जामिनेशन क्लियर किया बाय जस्ट स्टडिंग फॉर 19 डेज. और ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं कि मैम सिर्फ 20-25 डेज पढ़ाई की, लेकिन वी आर एबल टू क्लियर द सीए एग्जामिनेशंस. एक स्पेसिफिक एग्जांपल मुझे याद है, एक दो साल पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी. उस 25 डेज पहले उसने मुझे बोला कि मैम मुझे डेंगू हो गया था, तो आई कुडंट स्टडी फॉर 1.5 मंथ्स. मुझे यू नो आई वाज हॉस्पिटलाइज, कुछ कर नहीं पाई थी, लेकिन आई हैव 25 डेज, क्या करूं कैसे करूं. तो आई डिस्कस्ड फ्यू थिंग्स विद हर, जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं. एंड शी कॉल्ड मी ऑन द रिजल्ट्स डे सेइंग मैम आई पास्ड बाय स्टडीइंग इन दोस 20-25 डेज. अभी मुझे पता आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम हम 3 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, हम क्या पागल है क्या 3 महीने से पढ़ाई करने के लिए. गाइड सीए examinations पढ़ाई करने के लिए that's the right approach. 3-4 महीना sheer dedication देते हो तो you can sure shot make it possible कि आप examinations clear कर लो. लेकिन you know every coin has two sides. The other side is कि ये जो last के few days होते हैं ना, ये अगर properly utilize करे तो many times they can act in your favor. The tables can turn out in your favor. बस देरी होती है तो बस एक commitment कि आप सोचे अभी आप IPL देखते हो. कितनी बार ऐसा लगता है कि मैम it is practically impossible कि इतने रन स्कोर हो जाए, लास्ट के 3-4 ओवर्स में इतने रन स्कोर हो जाए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता. लेकिन अभी होता है, IPL में लास्ट मोमेंट आके पूरा गेम पलट जाता है. तो आपके केस में भी ये अभी भी हो सकता है. देरी है तो बस कमिटमेंट की. तो उठो उस जगह से, उठो वो बुक्स जहां पे किधर पढ़ी है उनको उठाओ और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ते. स्ट्रैटेजी में पूरा डिस्कस करने वाली हूं यहां पे, रूटीन प्लानर कहां से पढ़ना है पूरा बताने वाली हूं. बस इतनी बात ध्यान में रखो, एन इंजर्ड लायन स्टिल रोर्स. तो आप मेरे लायन से कम थोड़ी ना हो. तो उठो और उस जज्बे के साथ आगे बढ़ते. और ऐसे ही टाइम टू टाइम आपको मोटिवेट करने के लिए, गाइड करने के लिए, प्लान देने के लिए ICI वेबिनार समरीज, जैसे कि ICI सब्जेक्ट स्पेसिफिक वेबिनार समरीज कंडक्ट कर रहा है, जहां पे यू नो कुछ बोनस चीजें वो बोल रहे हैं जिससे आपके हर सब्जेक्ट में 15-20 मार्क बढ़ सकते हैं. 3-3 सब्जेक्ट की समरीज मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल दी है और 3-3 सब्जेक्ट की समरीज 1-2 दिन में मैं लेके आने वाली हूं. तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकॉन हिट करके रखना. चलो लेट्स गेट डायरेक्ट टू द पॉइंट. नंबर वन थिंग मैम, अभी कैसे करें, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हमारा प्लानिंग क्या होना चाहिए. राइट सी, सबसे पहली बात, अपने को 3 सब्जेक्ट है. अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है अभी तक तो आपके पास 3 सब्जेक्ट है. आज है 6th. अगर आप अभी ये सोचो कि आई एम नॉट गोइंग टू मैनेज माई टाइम, आई एम गोइंग टू मैनेज माई फोकस, मतलब क्या, मुझे जब भूख लगेगी तभी मैं उस जगह से उठूंगी. आई यूज टू स्टडी लाइक दिस कि यार भूख लगी है तो लंच कर लो 15 मिनट, भूख लगी है तो डिनर कर लो 15 मिनट, ब्रेकफास्ट के लिए 15 मिनट, नहाने के लिए 15 मिनट. तो खाना पीना नहाना और दिन भर का ब्रेक इज 1 आवर और रात को 6-7 घंटे की नींद. तो मुझे लगता है दिन भर में टाइम पास ही 8 घंटे का होना चाहिए. तो ऑन अ सेफर साइड अगर मैं अज्यूम करूं कि अगर आप दिन भर में 14-15 आवर सिंसियरली अभी तक पुट इन करते हो और अगर एक हफ्ता दे रहे हो आप एक सब्जेक्ट के लिए, तो अभी तक आपके पास 100 आवर्स है एक सब्जेक्ट के लिए, विच इज नॉट लेस. 100 आवर्स में भी आप काफी कुछ कर सकते हो. इट इज जस्ट अबाउट पिकिंग अप दैट बुक एंड स्टार्टिंग योर स्टडीज नाउ. एंड ये होगा 7 डेज पर सब्जेक्ट 26 तक. बस देरी है तो इसको स्मार्टली यूटिलाइज करने की. जैसे अभी गाइस मेरा वर्कशॉप चल रहा है, सीए इंटरमीडिएट का 10 डे वर्कशॉप एंड सीए फाइनल का 10 डे वर्कशॉप, जिसके बस अभी 2 सेशंस हुए हैं. एंड यू कांट इमेजिन ये 2 सेशंस देख के क्या जबरदस्त इंपैक्ट हुआ है. एक तो स्टूडेंट थी, वो मॉम है, उनका बच्चा है, तो बच्चे के साथ शी हैज बीन एबल टू स्टडी. आई वुड शेयर फ्यू टेस्टिमोनियल्स विद यू हियर. मेरा तो स्टडीज हुआ ही नहीं था आपका टाइम टेबल से, मुझे IDT अभी खत्म होने को आया है. इसके साथ पढ़ने के लिए बहुत बहुत टफ लगता था. आपका जो टाइम टेबल मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसके साथ मैनेज कर रही हूँ. पोस्टपोनमेंट इज नॉट हैपन, सो देन आई वाज लाइक फीलिंग वेरी लो. आई वाज नॉट मींस आई थॉट ऑफ कि लाइक आई विल नॉट गिव द अटेम्प्ट. लेटर आई सॉ योर मेंटरशिप एंड आई टुक दैट. And now I means earlier I used to study for only 4 or 3 hours or 5 hours. A whole day I used to do 1 chapter. Now I am able to complete 2-3 chapters according to your timetable. मैंने भी अभी लास्ट मंथ से पढ़ाई स्टार्ट करी थी और मेरा FR भी नहीं हुआ है और अभी भी मतलब स्टिल मेरे 2 सब्जेक्ट पेंडिंग है. और पहले बहुत टेंशन होती थी होगा कि नहीं होगा. मैंने तो अटेम्प्ट मतलब सोचा ही था कि अटेम्प्ट नहीं दूंगा, पर जब से आपने टाइम टेबल दिया है मैं उसे फॉलो कर रही हूँ. और आज 5-6 दिन हो गए, मैं मतलब 1 दिन लेट चल रही हूँ, बट आई मतलब मैंने कर लिया मेजर ऑफ द पोर्शन
एफआर कर लिया है। दैट्स द पावर ऑफ प्रिसाइज डेडलाइंस, बिकॉज मैं यहाँ पे ना प्रिसाइज डेडलाइंस दे रही हूँ। एक ब्लूप्रिंट बनाया मैंने बेस्ड अपॉन आईसीआई का मॉक टेस्ट स्टडी किया, आईसीआई का आरटीपी स्टडी किया, आईसीआई का सेक्शन वाइज वेटेज स्टडी किया, जिसमें से आई गॉट टू नो देयर आर सिलेक्टेड चैप्टर्स जिसमें से मैक्सिमम आता है एग्जामिनेशन में। तो कौन से है ये हाई अर्निंग चैप्टर्स, हाई अर्निंग चैप्टर्स को कितना टाइम देना चाहिए, लो अर्निंग चैप्टर्स को कितना टाइम देना चाहिए। दो ही सेशन हुए हैं, आठ और पावरफुल सेशन अब तक बचे हैं। नेक्स्ट सेशन जो वर्कशॉप का रहेगा वो एट को रहेगा, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। ये वर्कशॉप अभी 70% अर्ली बर्ड डिस्काउंट पे अवेलेबल है और इसमें आपको हर सब्जेक्ट के दो फुल सिलेबस पेपर्स अलॉन्ग विद वैल्यूएशन अलॉन्ग विद सजेस्टेड आंसर जिसकी मार्केट वैल्यू कुछ 2500 रुपीस के आसपास है, वो यहाँ पे आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो बेसिकली आपको ये वर्कशॉप से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, टेकिंग बैक 1000 रुपीस एट योर होम। बच्चे पेपर्स दे रहे हैं, मैं उनको चेक करके दे रही हूँ, दे आर गेटिंग टू नो देयर मिस्टेक्स एक्जैक्टली। अभी इसमें भी आई वांट टू कंडक्ट अ रिवाइज, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो एक रिवाइज्ड प्लान ऑफ एक्शन फॉर ग्रुप 1 स्टूडेंट्स ऑन द 10th ऑफ दिस मंथ एंड रिवाइज्ड प्लान ऑफ एक्शन फॉर ग्रुप 2 स्टूडेंट्स ऑन द 12th ऑफ दिस मंथ। ये जो रिवाइज्ड सेशंस रहेंगे ना, यहाँ पे मैं आपको प्रिसाइसली मिनट बाय मिनट सब कुछ प्लान करके दूंगी। आपका रूटीन, कौन से सिलेक्टेड चैप्टर्स पे फोकस करो, कौन से चैप्टर को कितना टाइम दो, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स क्या होना चाहिए, थियोरी कैसे पढ़ो, प्रैक्टिकल कैसे पढ़ो। बेसिकली आई एम गोइंग टू होल्ड दैट लिटिल फिंगर ऑफ योर्स एंड गिव यू द प्रिसाइज डायरेक्शन फॉर द लास्ट 20-25 डेज। व्हेन यू सी सो मेनी पीपल अराउंड ऑल सॉर्टेड एंड ऑल रेडी टू पुट इन देयर 100%, आपके अंदर भी एक अलग ही जोश आ जाता है। तो दैट्स द वाइब क्रिएटेड अराउंड। जल्द ही मैं इसके एनरोलमेंट क्लोज कर दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, गो चेक इट आउट, आई विल सी यू सुपर सून। अभी ये हो गया 26 तक, मैंने क्या बोला 7 डेज पर सब्जेक्ट। अभी मजे की बात देखो, अभी आप दो रीडिंग्स कर सकते हो, लिसन टू मी केयरफुली। 26 तक हो गया, अगर आप सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हो तो टैक्सेशन को 3 दिन की छुट्टी है, तो वो 3 दिन में दूसरा रीडिंग कर लिया आपने। अकाउंट्स आपका पेपर 3rd को है, तो 31st और 2nd यहाँ पे आपने अकाउंट्स का रिवीजन कर लिया, और उसके पहले 27, 28, 29 यहाँ पे आपने लॉ का रिवीजन कर लिया। तो बेसिकली अभी आपने 7 डेज दिया एक सब्जेक्ट को और 2nd रीडिंग के लिए 3 डेज दिया एक सब्जेक्ट को, तो बेसिकली 10 दिन अभी तक एक सब्जेक्ट को आप दे सकते हो। 10 डेज into 15 hours, 150 hours है एक सब्जेक्ट के लिए। तो बेटा टाइम कम नहीं है, बस देरी है, तो आपको इस चीज को सीरियसली लेने की। तो रिविजन भी हो जाएगा, दो रीडिंग्स हो जाएगा, पेपर्स के साथ अभी तक आप ये चीजें कर सकते हो। दैट्स द प्लानिंग एंड रूटीन फॉर यू। उसके बाद एक अगर मैं आपको यहाँ पे हैक बताऊं, अननेसेसरी सब कुछ करने मत जाओ, वी हैव टू बी स्मार्ट अबाउट थिंग्स, राइट। मैं बोलूंगी कि आप ब्रह्मास्त्र यूज करो। अभी आपका ब्रह्मास्त्र है इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल के टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस, इंस्टीट्यूट का करंट ईयर आरटीपी, प्रीवियस टू अटेम्प्ट आरटीपीस, इंस्टीट्यूट के करंट ईयर के 2 मॉक टेस्ट पेपर्स और इंस्टीट्यूट के पास्ट अटेम्प्ट के सजेस्टेड आंसर्स। सिर्फ इतना देख लोगे ना, आई एम प्रीटी श्योर यू विल गेट अक्वेंटेड कि यार आईसीआई किस टाइप के सवाल पूछने वाला है। और सिर्फ आप प्रिसाइसली सी आईसीआई कहां से पेपर सेट करेगा, खुद के बुक से ही करेगा, खुद के रिसोर्सेज से ही करेगा। और अगर उसमें से ही डायरेक्टली कर लो, भले ही सिलेक्टेड सम्स है, लेकिन उतने भी कर लो ना, यू आर गुड टू गो फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो बस बी प्रिसाइज विद योर मटीरियल। उसमें ना इंस्टीट्यूट मटीरियल में आरटीपी में बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट उन्हीं बेसिस पे एडजस्टमेंट्स वगैरह पूछता है एग्जामिनेशन में। तो बाकी सब छोड़ो, इसमें से करो, टाइम सेवर एक्ट करेगा। इसमें भी ना एक स्मार्ट हैक यूज करो। अभी अल्टीमेटली तो अपने को पेपर्स देने हैं, तो क्या करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस करो। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ाई करो। 20% टाइम फॉर प्रोविजन, क्विकली प्रोविजन रिकॉल कर लिया विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट या विद द हेल्प ऑफ अ फास्ट ट्रैक। ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो इन सॉल्विंग द क्वेश्चन, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन इस बार 14 मार्क्स के आने वाले, तो अभी से टाइमर सेट करके करो। 25 मिनट्स में मुझे 14 मार्क का क्वेश्चन खत्म करना है, तो वो स्पीड भी बढ़ जाएगी। एंड अल्टीमेटली भले ही आपको 80 मार्क्स का पेपर लिखो, 90 मार्क्स का पेपर लिखो, लेकिन जो लिखोगे प्रिसाइज लिखोगे, टाइम के साथ यू कैन कोप इट अप द सिलेबस। तो जितना हो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ाई करो एंड टाइमर सेट करके पढ़ाई करो। दैट्स गोइंग टू सर्टेनली हेल्प यू। एंड द लास्ट थिंग इज कि गाइस, अभी कुछ नया नहीं करना है। लेट्स से अगर आपने फॉरेक्स कभी पहले किया नहीं है तो लीव इट, अभी मत करो। लेट्स से अगर आपने कभी यू नो बायबैक नहीं किया था या ब्रांच नहीं किया था, तो अभी मत करो। वो ब्रूस ली का कोट पता है आपको, आई डोंट फियर द मैन हु हैज मास्टर्ड 10,000 kicks, but I fear the man who has mastered one kick 10,000 times. तो भले बेटा 80% पढ़ाई करो, अपने को नहीं चाहिए 100 मार्क, अपने को 50 मार्क चाहिए। तो 80% पढ़ाई करके अगर आपने 80 मार्क्स का भी पेपर लिखा, उसमें से 50 मार्क मिल जाएंगे आपको। इट इज जस्ट अबाउट कि नया कुछ नहीं करना है, जो किया है उसको ही रिवाइज करते रहो अभी, ठीक है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बस गाइस उठ जाओ, जाग जाओ और कॉन्स्टेंटली खुद को याद कराते रहो कि आई डोंट वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ द 85% पीपल हु आर गोइंग टू फेल दिस टाइम। इन फैक्ट आई वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ द 15% पीपल हु आर गोइंग टू क्लियर दिस टाइम। बस ये अप्रोच के साथ जब भी डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो ना, खुद को ये 85-15 वाला फॉर्मुला याद कराते रहो, ठीक है। बस उठ जाओ एंड स्टार्ट स्टडिंग। आई एम टेलिंग यू, रिजल्ट के दिन आप आपकी सक्सेस स्टोरी मेरे साथ शेयर करेंगे, ठीक है। बिलीव इन योरसेल्फ, दिस इज मी साइनिंग आउट, विश यू ऑल द बेस्ट।